दोस्तों, ये कंप्यूटर एब्रिविएशन का पार्ट टू है। पार्ट वन में हम लोगों ने ए से एफ तक पढ़ा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे चलिए पार्ट टू देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर उसको पहले ए से एफ तक देखिए, उसके बाद जी से। तो चलिए दोस्तों, जी से शुरू करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक चीज़ आपको थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ, जो आई और ओ दोनों हो, एक कोई वर्ड कैरेक्टर रिपीट हुआ हो और उसके बीच में आई और ओ हो, तो वो हमेशा इन या आउट या इनपुट और आउटपुट ही होगा, इन आउट ही होगा हमेशा। कहीं भी देखेंगे यस आई यस ओ, एफ आई एफ ओ, जी आई जी ओ, या और भी बहुत सारे जहाँ भी कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा उसमें आई और ओ अगर आ रहा है तो वो या तो इन या आउट या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों में से एक ही होगा, और कोई भी आप लगा देंगे वो सही ही होगा, मतलब दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। नेक्स्ट है दोस्तों GIF। GIF जो आप लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है ये। ये भी एक प्रकार का फॉर्मेट होता है फाइल का। आगे अभी दोस्तों PDF आएगा, उसमें भी मैं बताऊँगा, बहुत कन्फ्यूजिंग वाला पूछा जाता है और लोग उसे करते हैं वही गलत। नेक्स्ट है दोस्तों GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPRS जो है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए दोस्तों अलग से और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हमें लोकेशन का पता लगता है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के द्वारा। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है, इसको भी मैंने अभी बताया था CDM के दौरान। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये भी बहुत हाई उसका प्रोसेसिंग का हाई लेवल का एक कंप्यूटर का टाइप होता है, इंटरफेसिंग होती है ग्राफिकल। नेक्स्ट है HDTV, हाई डेफिनेशन हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। उसके बाद HLL हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो जैसे कि C++ हुआ, जावा हुआ, सी हुआ, ये सब लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। HP हावलेट पैकार्ड, ये HP का फुल फॉर्म है दोस्तों, कंपनी आप लोग सुने ही होंगे, HP का लैपटॉप यूज़ करते हैं, HP के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हावलेट पैकार्ड इस कंपनी का फुल फॉर्म है। HTML जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैंने अभी बताया था HTML, ये जो इंटरनेट के जो पेजेस होते हैं ये HTML फाइल में ही लिखे जाते हैं, जो हमारे इंटरनेट के पेज होते हैं, ये बहुत बार एग्ज़ाम में GS पोर्शन में ऐसे भी पूछा जाता है कि जो हमारे पेज होते हैं, वेब पेज होते हैं, वो किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो वो HTML में लिखे जाते हैं, जो हमारे वेब पेज होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको दोस्तों। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैंने बताया था जो P वाला आ जाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रोटोकॉल ही होगा कंप्यूटर के संदर्भ में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों I से IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। IEEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। AIEEE जैसे होता है वैसे IEEE है, ठीक है, वो ऑल इंडिया होता है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी एक कंप्यूटर की पहली सक्सेसफुल मशीन है, सक्सेसफुल कंप्यूटर का कंपनी है, कंप्यूटर की कंपनी है जो अमेरिका में है और बहुत बड़ी है, सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IM इंस्टेंट मैसेजिंग। IO इनपुट आउटपुट। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो किसी की लोकेशन होती है, किसी का जो सर्विलांस जो होता है वो IP एड्रेस से ही पता किया जाता है, तो हर व्यक्ति की, हर पेज की IP एड्रेस अलग अलग होती है, ठीक है, हर मोबाइल की, तो IP एड्रेस से ही किसी को भी ट्रैक किया जाता है, ये ध्यान में दीजिएगा। GSM में पूछा जा सकता है कि इनमें से किस के थ्रू किसी को ट्रैक करने में क्या सहायक है, तो IP एड्रेस दिया रहेगा या HTTP, कुछ भी दे देगा ऑप्शन, IP एड्रेस आपका सही रहेगा। IRC इंटरनेट रिले चैट। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन,
इसको ध्यान में दीजिएगा, आईएसओ को, आईएसओसी इंटरनेट सोसाइटी है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसी के अंदर जितनी भी ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित जो भी आती हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसी के अंतर्गत आती हैं। JPEG ये इमेज का एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG भी होता है, JPEG होता है, कई प्रकार से होते हैं, JPG होता है, JPEG होता है, तो ये JPEG है दोस्तों, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट है KB, किलोबाइट किलोबिट्स, ठीक है। अब इसमें किलोबाइट और किलोबिट्स में एक अंतर देखिएगा दोस्तों, जो जो कैपिटल में है दोस्तों उसका मतलब होता है बाइट्स, ठीक है, और जो स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा उसका मतलब होता है बिट, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। और बिट और बाइट में अंतर क्या है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। तो यानी कि बिट्स जो होता है वो सबसे छोटा रूप होता है मेमोरी का, बिट्स, ठीक है, 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, ये भी पूछा गया है बहुत बार, और 1 बाइट्स बराबर 8 बिट होता है, यानी कि 2 निबल बराबर 1 बाइट और 1 निबल बराबर 4 बिट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों KIPS, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। एन है, नेक्स्ट है दोस्तों लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मैन वैन, 3 प्रकार से नेटवर्क होते हैं, लैन वैन मैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मैनिपुलेटेड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है दोस्तों लेज़र, ये लेज़र हुआ है दोस्तों, LASER है, टी गलती से टच हो दब गया है, लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड स्टिमुलेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये लेज़र होता है एक बीमी रूप में, प्रकाश का ही किरणें रेज को छोड़ी जाती हैं स्टिमुलेटेड रूप में, तो लेज़र को आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, ठीक है। LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और LED जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसका मतलब, ठीक है। इसमें GaAs का यूज़ किया जाता है, गैलीलियम आर्सेनाइड LED बनाने में, LCD में लिक्विड होता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। LISF लिस्ट प्रोसेसिंग, LLL लो लेवल लैंग्वेज, अभी मैंने हाई लेवल लैंग्वेज बताया था HLL, और ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों LST, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों जो IC के चिप का जो पैकेजिंग होता है उसी के रूप में कन्वर्ट किया गया है कई रूप में, जैसे कि LSI हो गया, VLSI हो गया, SSI हो गया, MSI हो गया, तो सभी का लार्ज स्केल और मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल, इसी प्रकार से है सब। तो बताना तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चाहता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको शॉर्टकट में ही जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैन आ गया, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। MB मेगाबाइट, ठीक है, अभी KB आया था, MBPS मेगाबाइट मेगाबिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो स्पीड होती है ना वो बिट्स पर सेकंड में होती है, बाइट्स में नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में देखिएगा, जो ये स्मॉल बिट्स में है, ठीक है, बाइट में नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। MBPS मेगा बाइट्स पर सेकंड है, ये जो आप इंटरनेट चलाते हैं उसकी स्पीड का मात्रक है, ठीक है। मेगा हर्ट MHz, आप मेगा हर्ट जानते ही हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत भी कोई भी एग्ज़ाम हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये कैरेक्टर सी का ही पूछता है कि सी का क्या फुल फॉर्म है MICR में, तो कैरेक्टर है इसका MICR, ये बैंकों में यूज होता है, जो हम चेक रहते हैं, चेक जो यूज़ करते हैं चेक में, या डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं कोई बैंकिंग का, जो ड्राफ्ट बनवाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जो कैरेक्टर लिखा जाता है उसको रीड करने के लिए। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरनेट, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये सुपर कंप्यूटर के वो हैं, एक कैपेबिलिटी है, जो किसी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है उसको इसी में नापा जाता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कितने देर में कितना वो इंस्ट्रक्शन को
वर्क कर पा रहा है, कितना इंस्ट्रक्शन को वो झेल पा रहा है या उस पर प्रोसेस कर पा रहा है, इसी प्रकार से पता लगता है कौन सा कंप्यूटर की कैपेबिलिटी कितनी है। MOPS मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, ये भी उसी प्रकार से है दोस्तों, कितना वो ऑपरेशन कर रहा है कि एक सेकेंड में कितने मिलियन कर रहा है, ठीक है। MPEG अभी आया था, JPEG अब आ गया, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है दोस्तों, ये भी इमेज का एक प्रकार है। MPEG MP3 MPEG ऑडियो लेयर 3, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों MS यानी माइक्रोसॉफ्ट। आपने MS वर्ड, MS एक्सेल और MS ऑफिस बहुत सुना ही होगा, सब माइक्रोसॉफ्ट की हैं। नेक्स्ट है दोस्तों MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो MSD होता है, ये जब हम बाइनरी जब कन्वर्जन करते हैं तो जो उसमें जो मोस्ट, जो लेफ्ट साइड का मोस्ट वो होता है उसे MSD कहते हैं, और जो राइट साइड का होता है उसे LST कहते हैं, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SSI, MSI ये सभी, ULSI अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, ये सभी IC पैकेजिंग के रूप हैं। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दोस्तों BSNL से पहले MTNL आया था, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, जैसे BSNL का है भारत सरकार निगम लिमिटेड, उसी प्रकार से ये टेलीफोन लिमिटेड का एक था। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC यानी ET इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क, NIXI नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ डाटा इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों OCR, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, OCR और OMR, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये C++ जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग का एक दूसरा नाम है, ठीक है। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, OS जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जबकि OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन मैंने बताया ये एक पैन है, प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक होता है पिन जो होता है PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अभी आएगा शायद आगे, हो सकता है मैंने इंक्लूड नहीं किया हो। PC पर्सनल कंप्यूटर, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दोस्तों वो होता है जो किसी भी डिवाइस को आप अगर ओपन करेंगे तो उसमें एक ग्रीन कलर की एक लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे ICs वगैरह लगे रहते हैं, तो वो जो पूरा पूरा बोर्ड होता है वही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सर्किट को प्रिंट किया गया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल मतलब होता है जो वस्तुएँ हम बाहर से लगा सकें, जो जो हम पोर्टेबल हों, जैसे कि IO डिवाइस इनपुट आउटपुट जिस पर दिया जा सके वो पेरिफेरल होते हैं। तो पेरिफेरल कंपोनेंट मतलब कोई भी, जैसे कि आप SD कार्ड को ले लीजिए, पेन ड्राइव को ले लीजिए, ये सब पेरिफेरल कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसी के जो इंटरकनेक्शन होता है उसे PCI कहते हैं। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA होता है, ठीक है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। PDF ये मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है PDF, ठीक है दोस्तों। PDF में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ F का फुल फॉर्म फाइल दे दिया रहता है, और बहुत से बच्चे, लगभग 80% बच्चे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल लगा के चले आते हैं, जबकि ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ना कि फाइल, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फेज मॉड्यूलेशन, मैंने बताया था AM/PM/FM के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। PPM पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, और PPP PPP ये पूछा गया था अभी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से कह सकते हैं, या फिर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह सकते हैं, तो उसमें जो पूछा गया था वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूछा गया था, अभी लगभग 6 या 7 तारीख के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, तो उसे पार्टनरशिप उसका करेक्ट आंसर था, 2P का नाम दिया गया था, तीसरे का पूछा गया था, इसी प्रकार से कुछ था ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉगेज लॉजिक, ठीक है, जो लॉजिक पर प्रोग्रामिंग की जाती है उसे
प्रोलॉग कहते हैं। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के बारे में दोस्तों मैंने बताया, जो आपकी डिवाइस की स्टोरेज होती है वो रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो ऐसी स्टोरेज जिसको हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कोई भी डिवाइस में, कोई भी मेमोरी में, जिसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐड करते हैं कोई चीज़, कोई इंस्ट्रक्शन को, तो उसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। रैम आ गया दोस्तों, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने बताया था ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंतर्गत आपके मोबाइल की जो होती है या डिवाइस की कोई भी लैपटॉप पीसी कोई भी हो, उसमें जो रैंडमली चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो इसी मेमोरी के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, इसे ये स्विच ऑफ जब होता है डिवाइस आपका तो ये पूरा मिट जाती है। ठीक है, जब ऑन होगा तो दोबारा होगा, जबकि जो रीड ओनली मेमोरी होती है ये हमेशा के लिए स्टोर रहता है। अगर इसमें आप कुछ डाल देते हैं, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये रहेगा, चाहे मोबाइल ऑफ हो जाए, आपका पीसी ऑफ हो जाए, चाहे डिवाइस ऑन ऑफ रहे या ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों RGB, रेड ग्रीन ब्लू। RGB आप लोग जानते हैं बेसिक कलर्स हैं। RS232 ये रिकमेंडेबल स्टैंडर्ड है, 232। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों CSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। जब स्मॉल कंप्यूटर को, छोटे छोटे कंप्यूटर को जब हम इंटरफेसिंग कराते हैं उनकी, तो SCSIO प्रोसेस कहलाता है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों जब भी आप कोई वीडियो सर्च करते होंगे तो जो वीडियो ऊपर आती होगी सबसे पहले, तो वो वीडियो आती है ऊपर तो उसके पीछे कुछ प्रोसेस किया गया रहता है, तो जिससे कि उसकी वीडियो ऊपर आए, तो उस प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो ये भी एक प्रकार का है, किसी भी, जैसे कि आप यूट्यूब को ही ले लीजिए, आप कोई चीज़ वीडियो सर्च करते हैं तो कोई वीडियो ऊपर आती है, कोई वीडियो नीचे आती है, किसी की वीडियो ऊपर आती है, किसी की काफ़ी नीचे आती है। तो इस प्रकार से ये SEO किया जाता है, ये वेबसाइट में किया जाता है। SEO मुख्यतः वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट्स का SEO कराया जाता है। ठीक है, SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SQL स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, इसको ये जब सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन नेक्स्ट है दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैंने बताया था अभी। जितने पी आ जाए वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, उसको ध्यान में रखना है आपको, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबलिक लैंग्वेज, ये भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग थी, एक लैंग्वेज थी स्नोबॉल। और नेक्स्ट है दोस्तों SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, SQL ये भी इम्पोर्टेंट ही है, SQL इम्पोर्टेंट है। ठीक है, SRAM स्टैटिक रैम मैंने भी बताया था, DRAM को डायनेमिक रैम, और SRAM जो होता है वो स्टैटिक रैम। ठीक है, रैम के दो पार्ट होते हैं यही। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मैंने बता दिया है। SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों TB Terabyte TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर इसमें P आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है दोस्तों। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें टाइम को आधार मानकर, बेस को मानकर, उसको एक ही टाइम के प्रति सिंक्रोनाइज करके टाइम बेसिस पे आधार पर हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें फ्रिक्वेंसी सेम होती है और जो प्रोसेसिंग होता है उसको सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, TLD टॉप लेवल डोमेन। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मैंने बता दिया है। SSI MSI LSI USI ULSI ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। UNIVAC दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जब आप कंप्यूटर से रिलेटेड में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट वालों के लिए। UPC यूनिवर्सल प्रोटोकॉल प्रोडक्ट कोड। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का नाम आप लोग सुने होंगे, जब आपकी लाइट कट जाती है किसी अचानक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ऑफ ना होने पाए, आपकी जो डाटा है वो जा ना पाए, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप रैम में कोई वर्क कर रहे हैं तो आपकी रैम डिलीट हो जाएगी, रैम मेमोरी, अगर आपका डिवाइस ऑफ हो जाता है तो आप जो भी लिखे रहेंगे वो डिलीट हो जाएगा, अगर आप सेव नहीं करेंगे, सेव कर लेंगे तो वो रोम में चला जाएगा। तो इसी वजह से आप अगर सेव नहीं किए हैं, किसी कारणवश लाइट चली जाती है, तो फिर अगर आप UPS का यूज़ नहीं कर रहे हैं
तो फिर आपका डिवाइस, आपके डिवाइस को भी खतरा हो सकता है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट बंद नहीं होगी। इस वजह से हम UPS का यूज़ करते हैं। तो जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, इसका मतलब ही होता है कि अगर किसी कारण बस पावर सप्लाई कट जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, तो ये उसे अनइंटरप्टेड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी आप चीज़ सर्च करते हैं तो कोई ना कोई URL डालते हैं, वो किसी, वो लोकेट करता है उस वेबसाइट का। ठीक है, उसका लोकेटर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों USB, USB में दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, ये USB के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोई भी चीज़ आप बाहर से लगाते हैं, USB के थ्रू ही आपको जो भी डाटा लेना होता है या फिर डाटा कंप्यूटर में डालना होता है, USB के थ्रू ही होता है। और जो कंप्यूटर के अंदर भी तीन प्रकार की बसेज होती हैं, जो कंप्यूटर क्षेत्र से होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक होता है डाटा बस, एक होता है एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, एड्रेस बस जो होता है वो एक सिंगल वे में होता है, यानी कि सिंगल एक ही तरफ से डाटा एड्रेस बस में स्टोर होता है, जबकि जो डाटा बस होता है वो बाइलेटरल होता है। तो बाइलेटरल मतलब वो मेमोरी से CPU में और CPU से कंप्यूटर मेमोरी में, दोनों प्रकार से वो वर्क करता है। नेक्स्ट है दोस्तों UVEPROM, ठीक है, अल्ट्रा वॉलेट एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने बताया EPROM जो है वो अल्ट्रा वॉलेट से उसकी जो डाटा है, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट किया जाता है, तो उसे हम ये भी कहते हैं। WAN है दोस्तों वैल्यू एडेड नेटवर्क, VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। और नेक्स्ट है VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। VDU जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं, जो हमारा मॉनिटर होता है वो VDU कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। वायरस विटाल रिसोर्स अंडर सीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटाल रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। वायरस VLSI मैंने बता दिया है, VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसमें भी P आया है दोस्तों। आप लोग, आप इतने देर से आप लोग देख रहे हैं वीडियो, आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस प्रकार से कुछ कॉमन वर्ड है, कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं जिनके अर्थ वही ही होने हैं, जैसे P हो गया प्रोटोकॉल, VLSI हो गया तो उसमें इंटीग्रेशन है यह I की जगह पे, ठीक है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने बता दिया, VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड मैंने बताया है कि MTNL बना, ठीक है, महानगर, उसके बाद BSNL बना, VSNL बना, ठीक है, BSNL विदेश संचार, BSNL भारत संचार निगम, ठीक है। नेक्स्ट है W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब जो हम वेब चलाते हैं जिसे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कोई भी वेब जो क्रोम हुआ जैसे या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ये सब वही हैं। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, WLL वायरलेस लोकल लूप, WORM राइट वंस रीड मैनी, मैनी है सॉरी, राइट वंस रीड मैनी मतलब एक बार लिखो कई बार पढ़ो, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड कर दिया किया जा सकता है उसे, इस प्रकार का कहते हैं पेज, जो हम पेज में एडिटिंग करते हैं, कोई भी वेबसाइट के पेज हुआ तो जो वेबसाइट के जो बनाने वाले होते हैं, वेबसाइट के निर्माता जिसे कहते हैं, तो वो वेब डिज़ाइनर जो होते हैं उनके लिए होता है। 2G सेकेंड जनरेशन, 3G जो होता है वो थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, 4G फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4GL जो है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, 4G फोर्थ जनरेशन है, G का मतलब जनरेशन है दोस्तों, 4G 5G 2G 3G चाहे जितना हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दो, इससे ना आपको एक भी रुपया जाएगा ना आपका, ना मुझे एक भी रुपया मिलना है, लेकिन मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो वीडियो के आप ऊपर देख सकते हैं कि टाइमिंग क्या है, टाइम क्या हो रहा है, कितने टाइम पे मैं एडिट कर रहा हूँ इसको, लेकिन फिर भी
आप लोग के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, 1:30 2 बज गए हैं ऑलरेडी। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।